अरे साला ट्रेन अभी तक आया नहीं, इसीलिए तुमको बोले थे काला कल उठा कहीं का, कि घर से ऑनलाइन चेक करके चलो कि ट्रेन लेट तो नहीं है। नहीं पापा, ट्रेन राइट टाइम है, हमको पता है। अब फालतू आके यहाँ पे बैठे हुए है ना? अरे तो फालतू काहे बैठे है, कुछ काम किया कीजिए। काम कीजिएगा तब ना पैसा आएगा, बिना काम के पैसा आता है क्या? तुम लोग साला काम चोर के चक्कर में हम लोग का काम खराब हो जाता है। पापा देखिए ये बिकमंगा आपको क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है आप काम चोर है, और आपको काम करने के लिए भी बोल रहा है। अरे हम बहरा नहीं है, सुनाई देता है हमको, तुमसे ज्यादा काम तेज है मेरा। क्या बोले बिकमंगा, तुम हमको सिखाएगा साला? हमको काम करना है कि नहीं? अपने काम करते हो, खाली भीख मांग के पैसा कमाते हो, और हम लोग काम नहीं करते, इससे तुम लोग का क्या लेना देना है? अपना जाके भीख मांगो। अरे वही तो मांगना चाहते है, लेकिन तुम साला काम करेगा तब ना मांगेंगे। तुम साला कमाएगा ही नहीं तो हमको पैसा कैसे देगा? पैसा मांगेंगे तो रोएगा, बोलेगा आगे जा आगे जा, आगे तुम्हारा ससुर थोड़ी ना बैठा, उससे पैसा मांगेंगे साले। मारेंगे ना रे साले, जूता उठा के मुंह झाल देंगे तुम्हारा। हमारे सामने हमको गाली देता है तुम। अरे हम जो भी काम करते हैं सीना ठोक के करते हैं, पीठ पीछे काम नहीं होता हमसे बाबू। गलत कर रहे हो तभी ना बोल रहे हैं, सही कर रहे होते तो थोड़ी ना बोलते, तब तो तुम्हारा तारीफ करते हम। हमारा बाप भी तुम्हारे तरह काम नहीं करता था, काम चोर था साला। और हम भी अपना बाप के साथ ऐसे एक दिन रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, और हमारे जैसा एक तो भिखमंगा आया था। हमारा बाप को बोला था कि तुम काम नहीं ना करेगा तो तुम्हारा बेटा भीख मांगेगा, और देखो आज हम भीख मांग रहे हैं। और हमको तुम्हारा दोनों बेटा में अपना बचपन दिखाई दे रहा है। चलो मान लेते हैं कि काला कलूठा बच्चा को तो कोई भी गरीब समझ के भीख दे देगा, लेकिन ये गोरा बच्चा को कौन भीख देगा? इसका तो तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ये नहीं डॉक्टर बन पाएगा, नहीं इंजीनियर बन पाएगा, नहीं साइंटिस्ट बन पाएगा, ये भिखमंगा भी नहीं बन पाएगा। काहे रे बाबू, तुम काहे इसका घर में जन्म लिया है हा? जब तुमको कुछ बनना ही नहीं है, खाली रोटी तोड़ने के लिए पैदा हुआ है रे साले तुम। अरे पापा ये भिखमंगा बहुत बोले, हमको गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है जूता उठा के मारे इसको। अरे कुछ मत करो, पहले हमको ये भिखमंगा लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से ये हरकत कर रहा है ना, हमको ये पागल भी लग रहा है। ऐसा नहीं हो बाद में हम ही लोग को पकड़ के मारे, पागल लोग के मुंह नहीं लगा जाता है। अरे तो पापा एक बात बताइए, आप तब हमारा मुंह काहे लगते हैं बार बार? अरे तो तुम पागल थोड़ी ना है। अरे जब हम पागल नहीं है तो आप हमको बचपन से हर बात पर पागल काहे बोलते हैं, जब हम पागल है ही नहीं। अरे साला एक पागल गया नहीं, दूसरा चालू हो गया, जब पागल देखिए फिर पागल बोले ना आप हमको। अरे मुंह बंद रखो तुम, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, ज्यादा बकबक किया तो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी बापू आना दो आना। अरे तू कुछ पल का मेहमान, कुत्ते खुद को तू पहचान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी साले आना दो आना। अरे साला तुम लोग हंस क्या रहा है जोकर साहब? ये पागल साला तुम्हारा बाप का बेइज्जती कर रहा है, तुम लोग हंस रहा है, तुम लोग ज्यादा हंसेगा तो और मेरा बेइज्जती करेगा। अरे पापा हंसना चाह नहीं रहे, लेकिन बहुत ही फनी लग रहा है हम लोग को इसका गाना, मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। साला तुम पैसा नहीं देगा। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी बापू आना दो आना। अरे तू कुछ पल का मेहमान, कुत्ते खुद को तू पहचान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी साले आना दो आना। अच्छा हुआ साला पागल गया तो कम से कम दिमाग खा के रखा था मेरा। अरे क्या देख रहा रे तुम ऐसे? अरे हम तो अंधा है, तुम क्या देख रहा रे साले? अरे तभी से बात करो, और अंधा है तो चल कैसे रहा है तुम? अरे हम अंधा है, लंगड़ा थोड़ी ना रे पागल साला। ए गाली कौन सी देता रे बिकमंगा कहीं का? अरे वाह वाह क्या जमाना आ गया, बड़ा बिकमंगा छोटा बिकमंगा को डांट रहा है। अरे तुम पागल है साला, हम बड़ा बिकमंगा नहीं है। अच्छा तुम बिकमंगा नहीं है तो निकालो 5,000 रुपया। अरे हम काहे देंगे तुमको 5,000 रुपया? अरे तुम बोला ना हम बिकमंगा नहीं है तो निकालो पैसा। अरे हम बिकमंगा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पैसा बांटते फिरेंगे? अगर नहीं बांटना है तो चलो मेरे साथ भीख मांगो। अरे हम काहे तुम्हारे साथ भीख मांगेंगे, उठो साला यहां से, उठो, तुम सुअर के जैसा महक रहा है तुम्हारा देह। हाँ सुअर के जैसा महक रहा है ना, हमको भी लग ये रहा था हम कहीं किसी सुअर के बगल में तो नहीं बैठे है। अरे तुम साला हमको सुअर बोल रहा है? हमारे बगल में तो तुम ही ना बैठा है, अब हम तो अंधा है, हमको तो दिख नहीं रहा है तुम सुअर है कि कुत्ता है। अरे तो पागल लग रहा है साला, इसको हम जवाब नहीं देंगे नहीं तो और हमारा बेइज्जती करेगा। ए सुअर तुम्हारे पास मोबाइल है?
अरे हमसे बात मत करो तुम। अरे तुमसे बात नहीं करना है, तुम बताओ ना मोबाइल है तुम्हारे पास? हमको अपनी पत्नी से बात करना है, हम तुमको कॉल नहीं करेंगे। अरे हमको अपना मोबाइल तुम्हारे जैसा भिखमंगा को नहीं देना है। अच्छा चलो मोबाइल नहीं दो, एक बात बताओ तुमको बवासीर है ना? अरे हमको बवासीर नहीं है। अरे हमको लगा ही था तुमको बवासीर है। अरे मैडम जी इसको बवासीर है टकला को। अरे पागल साला रे चिल्ला कौन चिल्ला, और क्या बकवास कर रहा है? हमको बवासीर है और तुमको कैसे पता चला हम टकला है? तुम तो साला अंधा है ना। तुम हमारा बीमारी के बारे में मत सोचो, अपना बीमारी देखो, बवासीर है तुमको, इलाज करवा। अरे इस साला के बगल में नहीं बैठेंगे, हमारा बेइज्जती कर रहा है। देखो देखो खड़ा हो गया, बवासीर है, एक जगह नहीं बैठ पा रहा है। अरे चुप साला, एक्टिंग करता है, तुम अंधा नहीं है, देख रहा है सब, सब समझ रहा है। अरे हाँ बवासीर है, इलाज होगा तुम्हारा, इलाज होगा, पैसा देगा तब ना इलाज होगा। अरे पागल साला के बगल में रहेंगे तो पूरा रेलवे स्टेशन में झूठ मूठ का हल्ला फैल जाएगा कि टकला नेता को बवासीर है, जाना हमको यहाँ से। इसको बवासीर है, इससे दूर रहना, इसको बवासीर है। इस साला तो हमारे पीछे आ रहा है, अब तो हमको भागना पड़ेगा। अरे तो पागल हमारा पीछे कर रहा है, रे साला हट हट।